नमक मिर्च वाले डब्बे, धनिया और टमाटर, सब्ज मिर्च सारा कुछ आ गया, गैस भी आ गया। शाम का टाइम जी हो गया और खाना देखो जी खाने वाले, बिस्मिल्लाह वेलकम, मिलके खाने। खाना जी सारा बिल्कुल लग चुका, खाना खान लगे हैं, बच्चे भी बैठ गए मेरे नाल, तो शाहजी ने भी खाना खाना सी लेकिन वो छोटी जी घर चले गए, फिर उन्होंने इंतजार नहीं करते ताकि असि भी खाना खाने हैं। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया मेरे भैन भरावान का, मेरी वीडियो ते आते हैं, मेरे चैनल ते आते हैं, देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। असं जी खाना खान लगे जी ने खाना भी, शाम का टाइम जी हो गया वा, नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के हम खाना खान लगे हैं, अस अपने भैन भरावान शेयर कर लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब, उम्मीद कर दी आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ तो निजात दे। दोबारा अज का व्लॉग, अज का व्लॉग शुरू करते हैं, शुरू करने वाले छोटी अर्ज करते हैं, जो मेरे भैन बिस्तर नवे हैं जिन्हें साढ़ा साज का प्रवीण चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल आइकन को लाजमी प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भैन भैया को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो जी केसरा वा, जैसे कि मेरे भैन भैया ने पता वा कि मैं सफर पर हाँ, काफ़ी मतलब भी मैं जिते आना सी मैं उत्थे कल पहुँच चुकी सी, ते मैं आई हुई अपने बड़े बड़े भाई के घर, जिहड़ा मेरा भाई 30 साल 35 साल तो बिछड़िया सानू मिलिया, तो उन्होंने उहदे कोल आई हाँ, तो अज मेरे भाई की दिल की ख्वाहिश सी मेरी भैन अपने हाथ नाल मतलब कि मैं सालन बना के रोटी बना के खिलावे, क्योंकि जिहड़ी मेरी भैन बड़ी भैन सी, दो एक भैन सी एक भाई सीगा, जिहड़ी बड़ी भैन सी उह फोत हो गई है, तो उहदी ते मेरी सेम टू सेम असी दोनों भैन एक फोटो कापी सी, तो मेरे जिहड़ा भाई है उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब भी उहदी भैन की याद आती है, तो कहिंदा मेरी भैन आई है, मेरी भैन नासरा आई है, मैं कहते हैं कि बाकी नासरा आई तो मेरी शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम मिलती है, फिर तेरी अदावं भी मिलती हैं, शक्ल भी मिलती, तो कहते कि अजे खाना मेरी भैन बनाएगी, मैं ठीक हो गया, मैं जी खाना बनानी हाँ ना मैं अपने भैन भरावान शेयर कर दी। जुल्कर नैन और नूर फातिमा, सलाम भरा बई, कैसे हो? ठीक हो? बैठे हो? मामू के घर आके मजा आया? हाँ जी। अच्छा लगा मामू के घर? हाँ जी। मामू कितना प्यार करते हैं? कितना प्यार करते हैं मामू बताओ? दो प्यार करते हैं। लसन सड़ा जी बन गया वा, तैयार हो गया और प्याज भी काट रही हैं, ये देखो लसन प्याज हर चीज रेडी हो रही है। हाँ जी, मैं क्या प्याज लसन काट लवा फिर बनाना स्टार्ट कर दें, चिकन भी धुल के आ गया, तो भाई देखो तो अभी कैसा मैं खाना बनानी हाँ, खैर इन्हों भी पसंद आता कि नहीं आता, ये तो खाने के फिर दसेंगे। मैं इन्होंने को बच्चा को मंगया कुंडी डंडा, मैं मैंने कुंडी डंडा दो तो मैं लसन अदरक पीस लवा, वह कह रहा भी कुंडी डंडा साढ़े नहीं है, तो असं ये ना ही करते हैं, असं कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अच्छा कभी भी नहीं किया? नहीं कभी नहीं किया। अच्छा कह रहे भी बिल्कुल बरीक बरीक माशाल्लाह जी, लेकिन सही हो रहा है भी ना, अच्छा लग रहा। हाँ बिल्कुल पता भी नहीं लगना थानू, मोटा मोटा भी नहीं नजर आना, बिल्कुल बरीक होएगा। हाँ जी, मैं जी बना के तैयार करके फिर दिखानी है जी। बेटे तभी बैठ गए, चलो जी सलाम बुला लो जल्दी से, पूछो आप सब कैसे हो? सब कैसे हो? जुल्कर नैन कैसा है? सोना मा तू, मुझे तो नहीं सोना लगता, मुझे नहीं सोना लगता, लगता क्या लगता है? कौन सी चीज आपकी सोनी है? कौन सी चीज सोनी है आपकी? की करो कुंडी डंडे नू, पहले उन्हें चुको फिर उन्हें धोवो है, फिर उस कुटो फिर कुट के कटो फिर दोबारा धो धू के फिर आराम करके इन्हू बेचारे हंगाल हंगूल के रख दे, लेकिन कोशिश करूंगी मैं भी उन्हें तो नाल दा लाजमी लवांगी, मैं तुहानू सुबह दवांगी, ते पीर बाजार लगदा है ना? हां जी, सिर्फ 50 रुपए दा। चलो ठीक हो गया। हाँ जी, गुड हो गया, ये 50 रुपए दा है भी वजनी अच्छा वा। हाँ जी, 50 रुपए दा बहुत सस्ता, चाहे दो तीन ले जियो। चलो ठीक हो गया, गुड हो गया। आलू जी नूर फातिमा ने बैठ के काट रही है माशाल्लाह जी, सब्ज मिर्च मटर टमाटर और लहसुन अदरक सब्ज धनिया और आलू भी निकाल रहे पानी चो, चिकन भी धुल रहा वा और इधर प्याज भी तय हो रही है।
और इस साइड पे खीर भी बन रही है माशाल्लाह जी। मेरी बनाने वासी बंदे ने देसी माहौल की चीज बन रही है। ए जी सा खाना बिल्कुल तैयार हो रहा है। ये मैं दो चार मिर्चा निकाल लाँगी और साबत ही मिर्च एड करा। लहसुन वगैरह लहसुन भी चले गए अंदर लहसुन के माशाल्लाह गाजर भी पै रही है। गजरेला बना रहे हैं माशाल्लाह। पानी में कम सी शायद नहीं लगता। इधर प्याज आपकी सफाई हो गई बड़े साठे को प्याज सब हर चीज मतलब तैयार हो गई। चिकन पाने ये अपना पहले वाला तरीका अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हाँ जी बालू छोटा तो जिन्ना बालू आ गया। हाँ बालू अला बालू आ गया छोटा जिन्ना। हाँ बेबी कैसी है बेबी? बेबी आ शाम बेबी आ शाम बाय 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 करो बाय बाय कर दो बाय बाय नहीं कर दी बाय कर। माशाल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा वा। अरे मुझे मजीद बनाई करा तो मैं चिकन बिल्कुल थोड़ा जहा कलर को चेंज कर दें और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन हरे कलर को चेंज कर लिया लेकिन ना ही वो मैं हूँ आलू ऐड कर दूँगी। आलू तो ले लेंगे बच्चे माशाल्लाह जी चिकन का कलर काफ़ी चेंज हो गया और घेर भी छोड़ता चिकन ने। ये मैं हम आलू ऐड कर लूँगी अपने घर वाले तरीके बना रही साल देखो भी कैसा बनता। कोशिश तो है कि सबन पसंद आए। ना रखा जी गजरेला नाल नाल गजरेला भी बन गया वा दोनों चीज़ों नाल तैयार हो गया। अच्छे तरीके भूलना भी हांडी चार तो पाँच मिनट वास्ते मजीद बनाई करके फिर ये नमक मिर्च ऐड करा। चिकन अच्छे तरीके फ्राई हो गया से और हम मैं ये आलू फ्राई भी ऐड करते से आलू अच्छे तरीके जो फ्राई हो गया हूँ नाल नाल इन्होंने पाउडर मसाले भी ऐड करा। सब तो पहले जी नमक और रेड मिर्च हल्दी पीसा तो नहीं तो ज़्यादा मसाले नहीं तो ऐड करेंगे या हल्के मसाले वाला बनावेंगे आलू गोश्त। आलू आलू खाने वाली बेटी नहीं निकी बेटी कह रही आलू माशाल्लाह जी चिकन अच्छे तरीके फ्राई हो गया और जो पाउडर मसाले ऐड किए ने भी अच्छे तरीके उजले देखो जी केस आने बिल्कुल छोड़ता। बेटे इधर आओ ये मेरी छोटी छोटी वोटी चीज जल गया से चलते मैं तो मैं क्या कितने गुम ना हो जाए बच्चा बाहर ना निकल जाए तो उतने मोल का नहीं पता बच्चे हूँ आ गया वापसी। मैं क्या सी मैं क्या सी मुल्तान जा रहे हैं जिलते मैं लैके जिलते मैंने नहीं दोबारा भजया जी खीर माशा क्या रही। देखो बेटे ये क्या बन रहा है सेमिया। सेमिया नहीं बन रही है मेरी जान ये बन रहा है गजरेला। गजरेला आज दोनों ने बना रही है तो देखो अल्लाह ख्याल करे कि कैसा बनता है। सालन ये बिल्कुल भुज गया और ये पानी ऐड कर दें बिस्मिल्लाह मारता है हूँ ऊपर दिने ढक्कन मजीद इन पकन दें जिमें सालन पकता तैयार होंगे। फिर ये कटिया हुआ धनिया सब्ज़ धनिया वो भी ऐड करेंगे क्योंकि सैलन सालन बिल्कुल टाइम ना तैयार हो गया और हो जानी अपनी खीर की तरफ फिर मैं अपनी खीर भी बना दी। माशाल्लाह जी मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो चली है। सालन मैं बनना रख दिता और इधर खीर तैयार हो रही है। फिर रोटी बनाने आटा भी गुज गया माशाल्लाह। आटा ही बेटी ने गुन दिता वा
रोटी बनाएगी फिर। माशाल्लाह जी दूध भी ये चैड कर दिता वा, एक मजीद इन पकन देवे जो गजरेला पक जाएगा फिर खान के काबिल हो जाएगा। माशाल्लाह जी खीर भी तैयार हो रही है, मगर की अजान होने लग पई है ते माशाल्लाह अल्लाह जी बहुत यमी गजरेला तैयार हो रहा। गजरेला भी कह सकते, गाजर की खीर भी कह सकते, गाजर चावल की खीर गजरेला भी कह सकते हैं। बहुत यमी बहुत मज़ेदार बन रहा, बस थोड़ी जी कसर रह गई है तैयार होने। उधर बेटी नाल ही रोटी बनाने लग गई, मैं बेटी कहूँ फटाफट दो मिनट लगा के रोटी बना लो ताकि फटाफट खाना तैयार हो खाई जी। ये तो सालन जी बिल्कुल रेडी हो गया ढक्कन उपर करना बेटा। माशाल्लाह गर्म मसाला और सब्ज धनिया भी ऐड कर चुके हैं। खाना जी सारा तैयार हो रहा और रोटी भी बननी शुरू हो गई है। सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका माशाल्लाह, और खीर जड़ी है थोड़ी जी देर आ हले बन रही है, मगरब की अजान हो गई है तो शाम की अजान, ताकि मैं हूँ वजू करके आई हाँ तो मैं एडी देख रही हाँ जरा चूल्हा मठा कर देने तो जहाँ बेटी देख लेगी। मैं मगरब की नमाज पढ़ना तो जो मतलब जो मैं व्लॉग बनाया मैं अपने भैन भरावान ने शेयर किया चाहवागी। इजाजत मिलेंगी नैक्सट वीडियो अच्छा जहाँ व्लॉग लैके अपने भैन भरावान की किस्मत हाजिर होवी। अगर मेरी भैन ने मेरा व्लॉग अच्छा लगे पसंद आए लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। सू अपने दुआवों बहुत ज़्यादा याद रखना और असं अपने भैन भरियां बहुत ज़्यादा दुआव याद रखते हैं। अल्लाह पाक मेरी भैन भरियां तंदुरुस्ती देवे, जिनी मेरी यूट्यूब फैमिली देखने वाली सबू तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे और अल्लाह ताला हर दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जे बे औलाद ने अल्लाह ताला नेक सारी औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुनने वाले अल्लाह हाफिज़।